सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लेक्चर नंबर 4 पर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहला तो एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर, और दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की पोजीशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर। क्या पढ़ेंगे? एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो हम आपको दे देते हैं, इसके बाद फिर हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कुछ इंफॉर्मेशंस है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पहली चीज तो आप ये समझें कि 101 से लेकर 114 तक जो एलिमेंट है, 101 से लेकर 114 तक जो एलिमेंट है, यहां पर इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑलरेडी पहले से ही पता थे, ऑलरेडी नोन। क्या थे? ऑलरेडी नोन थे, लेकिन कुछ एलिमेंट वो डिस्कवर हुए साइंटिस्ट के द्वारा, और साइंटिस्ट के एक ग्रुप के द्वारा डिस्कवर हुए, जिसको क्या बोलते हैं, सीबर्ग ग्रुप, जिसके हेड थे। तो दूसरा क्या था, डिस्कवर्ड, दूसरे क्या हुए, डिस्कवर्ड हुए बाय अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, टीम ऑफ साइंटिस्ट, और जिसके हेड थे कौन, जिसके हेड थे ग्लेन सीबर्ग। कौन था? ग्लेन सीबर्ग, जिसके हेड थे। और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा था वो कहां पर चल रहा था, जरा ये देखें, एट एट लॉरेंस बर्कले बर्कले लेबोरेटरी इन द कैलिफोर्निया, वहां पर जो है ये सब काम जो है चल रहा था। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस हम इससे देखेंगे, क्या हमें जानकारी मिलती है। तो सीबर्ग के नाम पर एक एलिमेंट का नाम दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, सी बोर्गियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी बोर्गियम बोलते हैं। तो जो एलिमेंट का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, जरा समझें, सी बोर्गियम। और उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना था? 106 था। कितना था बेटा? 106 था। दूसरा, ये जो लॉरेंस के नाम पर भी एक एलिमेंट का नाम दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, लॉरेंसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉरेंसियम बोलते हैं, लॉरेंसियम, लॉरेंसियम। लॉरेंस, ठीक है। तो यहां पर नाम दिया गया, उस एलिमेंट का क्या नाम था, लॉरेंसियम। क्या नाम था? लॉरेंसियम। और उसका एटॉमिक नंबर कितना था? 103 था। दिस इज लास्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या है? लास्ट एलिमेंट है। और ये कहाँ का है? दैट इज एक्टिनाइट सीरीज का। किसका है? एक्टिनाइट सीरीज का। और इसी तरह बर्कले के नाम पर भी एक एलिमेंट का नाम दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, बर्केलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्केलियम बोलते हैं। और जेड बराबर कितना है? 97 है। कितना है? 97। ये आपका एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि आप सीबर्ग और लॉरेंस बर्कले लेबोरेटरी से कौन से एलिमेंट के बारे में जान सकते हैं, कि उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताएं। तो फिर से समझिए, हमने क्या बताया, 101 से लेकर 114 तक एलिमेंट जो थे उसमें कुछ तो ऑलरेडी पहले से पता थे, लेकिन कुछ एलिमेंट डिस्कवर्ड बाय अ टीम ऑफ साइंटिस्ट, जिसके हेड कौन थे, ग्लेन सीबर्ग थे। और सीबर्ग के नाम पर एक एलिमेंट जो दिया गया, दैट इज सीबोर्गियम, उसका एटॉमिक नंबर जेड इक्वल टू कितना है, 106 है। इसी तरह लॉरेंस के नाम पर जो एलिमेंट का नाम दिया गया, दैट इज लॉरेंसियम, और जेड इक्वल टू कितना है, 103। ठीक है बेटा। अब बर्कले के नाम पर भी एक एलिमेंट का नाम दिया गया, जिसको क्या बोलते हैं, बर्केलियम बोलते हैं। सीबर्ग ने ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, मतलब यूरेनियम के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं उन पर काम किया। इसी तरह से लॉरेंस ने साइक्लोट्रॉन को डिस्कवर किया, जिसको आप फिजिक्स में पढ़ते हो। कहाँ पढ़ोगे? फिजिक्स में पढ़ोगे। इसको आप नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
अगला जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या है, एक ही एलिमेंट के बारे में अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने अलग अलग नाम दिया और ये एक डिस्प्यूट का मैटर था। एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को हम समझते हैं। जैसे 104 एलिमेंट जो है, 104 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर है, इस पर दो अलग अलग देशों के साइंटिस्ट ने अलग अलग इसका नाम बताया। जैसे 104 पर जो अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, जो अमेरिकन हैं, वो इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रदरफोर्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? रदरफोर्डियम। लेकिन यहीं पर जो सोवियत के साइंटिस्ट हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कुर्चटोवियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्चटोवियम बोलते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम आई कि एक ही एलिमेंट के दो दो नाम हो गए, इसीलिए IUPAC ने साइंटिस्टों की टीम बुलाई और उन्होंने एक कमीशन अपॉइंट किया ताकि एलिमेंट का नॉमेनक्लेचर किया जाए और एक ऑफिशियली नाम रिकमेंड किया, और जब उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो सही जानकारी उसके बारे में दी जाएगी। तब तक उसके लिए एलिमेंट्स को नाम कर, एक पर्टिकुलर नाम देने के लिए एक मेथड दिया गया, एक तरीका दिया गया, और वो क्या तरीका है वो अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। एलिमेंट्स को जो ऑफिशियली नाम दिया गया, जब तक कि सही से उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, वो कैसे हम लोग करते हैं, वो करते हैं एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट का नाम डेराइव करते हैं। एटॉमिक नंबर से ही एलिमेंट का नाम डेराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए, पहले तो यहां पर किसी भी एलिमेंट का अगर नाम लिखते हैं, नेम ऑफ एलिमेंट अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले यहां पर एक यूज करेंगे परफिक्स, और फिर क्या यूज करेंगे, सफिक्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? सफिक्स यूज करेंगे। प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स में जैसे दिया है जो भी नंबर होता है उसका एक पर्टिकुलर उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो अभी हम लिख रहे हैं। और सफिक्स में हम लोग क्या करते हैं, ईएम लगा देते हैं। क्या करते हैं? ईएम लगा देते हैं। अब जैसे जीरो दिया है तो जीरो के लिए क्या लगाएंगे, निल लगाएंगे। क्या लिखेंगे? निल। वन के लिए क्या लगाएंगे, अन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अन। फिर इसके बाद टू के लिए क्या लिखेंगे, बाई। थ्री के लिए क्या लिखेंगे, ट्राई। फोर के लिए क्या लिखेंगे, क्वाड। फाइव के लिए क्या लिखेंगे, पेंट। सिक्स के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स लिखेंगे। ठीक है, फिर सेवन के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट लिखेंगे। तो ये क्या है, दैट इज प्रीफिक्स है। ये क्या है, प्रीफिक्स है। जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने लिया, एलिमेंट हमने कितना लिया, 120 लिया। अब इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वन के लिए हम क्या यूज करेंगे, वन के लिए हम यूज करेंगे अन, और टू के लिए क्या यूज करेंगे, बाई यूज करेंगे। क्या? बाई। और फिर इसके बाद जीरो के लिए फिर क्या यूज करेंगे, निल। और लास्ट में लगा देंगे क्या, ईएम। तो ये हो जाएगा अन बाई निलियम। क्या होगा? अन बाई निलियम। और इसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे कि सबका पहला अक्षर उठा के आप रख देते हैं, तो क्या होगा, UBN। क्या हो जाएगा, UBN, that is unbinillium। क्या है, unbinillium। चलिए एक आध एलिमेंट और लेते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो। हम आते हैं किस पर, 104 एलिमेंट पे। ठीक है, 104 जिसका एटॉमिक नंबर है। अब इसका क्या नाम लिखेंगे, वन के लिए क्या लिखेंगे बताएं, वन के लिए लिखेंगे अन, जीरो के लिए क्या लिखेंगे, निल, और फोर के लिए क्या लिखेंगे, क्वाड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्वाड लिखेंगे। क्या, क्वाड। और लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएम। ठीक है, अनिल क्वाडियम। क्या होगा, अनिल क्वाडियम। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं इसको, अन क्या लिखेंगे, यू, फिर इसके बाद एन, और फिर क्या होगा, क्यू। क्या होगा, यू एन क्यू। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स का हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। और ये नॉमेनक्लेचर आपके क्या है,
ऑफिशियली रिकमेंडेड है, और जब इनका रियल में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो इसके बारे में सही से उसका नाम लिखा जाएगा। अभी जनरली कितना बुक्स में दिया गया, 114 एलिमेंट्स, मतलब 114, लेकिन चार एलिमेंट और लेटेस्ट में डिस्कवर हुए हैं, चार एलिमेंट और डिस्कवर हुए हैं, टोटल 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है बेटा, तो इसको आप समझें, जहां डाउट हो फिर बताएं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें। चलिए इसके बाद जो हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ना शुरू करेंगे वो क्या होगा, दैट इज पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। चलिए अगर हम एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन के बारे में बात करें, तो कोई भी एलिमेंट अगर दिया है, अगर कोई भी एलिमेंट दिया है तो पीरियोडिक टेबल में कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं। कितनी चीजें चाहिए, तीन चीजें चाहिए। ठीक है, पहली चीज क्या है, किस ब्लॉक में आता, पहली चीज क्या है, ब्लॉक इसका बताना, कौन से ब्लॉक में आता। दूसरा क्या है बेटा, दैट इज पीरियड, किस पीरियड में आता है, और फिर इसके बाद किस ग्रुप में आता, कहाँ पे कौन से ग्रुप में आता। तो किसी भी एलिमेंट के बारे में हमें तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन कौन सा, ब्लॉक क्या है, पीरियड क्या है, और उसका ग्रुप नंबर क्या है। तो देखते हैं, अगर ब्लॉक के बारे में हम बात करें आपसे, अगर हम ब्लॉक के बारे में बात करें तो क्या बताएंगे, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें इंटर करता है, जिस सबसेल में इंटर करता है, वही क्या कहलाता है, दैट इज ब्लॉक कहलाता है। तो क्या करेंगे, सबसेल, सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स, ये बात आप ध्यान रखेंगे। फिर आगे आते हैं किस पर, नंबर ऑफ पीरियड पे। तो नंबर ऑफ पीरियड के बारे में अगर हम बात करें तो क्या बताएंगे, लास्ट, लास्ट क्या सेल, क्या होगा, लास्ट सेल, या कह सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर आप लार्जेस्ट वैल्यू उसकी रखते हो, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड। और क्या बताएंगे, वो सबसेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है उसे क्या बोलते हैं, ब्लॉक। और ये कैसे पता करेंगे, ये जब कभी कंडीशन डाउटफुल हो जाए तो वहां पर एन प्लस एल वैल्यू रखकर हम पता करते हैं। अगर n प्लस l वैल्यू रखेंगे तो हमको ये पता लगेगा, जिसके लिए लोअर वैल्यू होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाता है, और जिसके लिए n प्लस l की वैल्यू हाइयर होगी उस पर इलेक्ट्रॉन बाद में जाता है। कहाँ क्या होता है, बाद में जाता है, तो बाद में जाता है तो वही क्या होगा, दैट इज कॉल्ड टू ब्लॉक होगा। ठीक है, वही क्या होगा, ब्लॉक होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रुप नंबर के बारे में, किसके बारे में, ग्रुप नंबर के बारे में। तो ग्रुप नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। तो यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, उसको अभी हम बात करते हैं, पहले आप इतना नोट करें। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि वो सबसेल जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर वो ब्लॉक कहलाता है। पीरियड क्या होता है, लास्ट सेल या लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जिसके लिए लार्जेस्ट होती है वो क्या कहलाता है, पीरियड। और ग्रुप नंबर के बारे में क्या है, इसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं इसके बाद। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर के बारे में, तो यहां पर हमारे पास कितने हैं, चार ब्लॉक होते हैं। तो अगर मान लीजिए एस ब्लॉक के बारे में बात हो, अगर एलिमेंट एस ब्लॉक को हो, तो ऐसी कंडीशन में ग्रुप क्या क्या हो सकता है,
आइदर इट मे बी फर्स्ट बी फर्स्ट ए या तो हो सकता है सेकेंड ए, या तो क्या होगा फर्स्ट ए या तो क्या होगा सेकेंड ए। फर्स्ट ए की क्या पहचान है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एन एस वन में, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और अगर ये होगा तो क्या होगा एन एस टू। अगर एस में दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो क्या होगा सेकेंड ग्रुप का होगा, और नहीं तो क्या होगा फर्स्ट ग्रुप का होगा। इसको हम फर्स्ट ग्रुप कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं सेकेंड ग्रुप। फिर इसके बाद बात करते हैं किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में, पी ब्लॉक के बारे में। तो पी ब्लॉक के बारे में ये हम क्या निकाल रहे हैं, ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो पी ब्लॉक के बारे में निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ग्रुप नंबर 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, क्या होगा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल। ठीक है, फिर आते हैं किस पे, डी पर आते हैं। कहां पे, डी ब्लॉक में कैसे पता करेंगे, तो डी ब्लॉक में पता करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी प्लस एन एस क्या सबसेल। मतलब क्या है, आप एन माइनस वन डी सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो और प्लस एस में जितने इलेक्ट्रॉन है वो दोनों को ऐड कर लेंगे, दैट इज कॉल टू क्या ग्रुप नंबर के होगा, वो किसके होगा ग्रुप नंबर। अब इसके बारे में अगर आप, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एफ ब्लॉक के बारे में। अगर एफ ब्लॉक के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर केवल केवल एक ही ग्रुप होता है, दैट इज थर्ड ग्रुप होता है। कितना होता है, थर्ड ग्रुप ही होता है। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं, थर्ड ग्रुप में ही होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फिर से समझे, एस ब्लॉक के लिए क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अगर एस में एक जाता है तो फर्स्ट ए ग्रुप होगा, अगर दो जाता है तो क्या हो जाएगा सेकंड ग्रुप होगा। लेकिन अगर पी के बारे में बात करें तो होता है क्या है, पी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सबसेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें आप क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे, दैट विल बी दैट इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। और डी ब्लॉक के केस में क्या होता है, एन माइनस वन जो एन की वैल्यू होगी एक कम करेंगे तो डी में, तो डी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको लेते हैं, फिर इसके बाद एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम जो बताएंगे वो ग्रुप नंबर किसका होगा, डी ब्लॉक का होगा। फिर इसके बाद एफ ब्लॉक पर आते हैं, एफ ब्लॉक में क्या होगा, एक ही कंडीशन होगी, वो क्या होगा थर्ड ग्रुप होगा। इसको आप नोट करें, फिर एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम और अच्छे से समझते हैं। चलिए, अब कुछ इंफॉर्मेशंस और जो है हम लेते हैं। अगर F के बारे में बात करें, F के बारे में, तो F के बारे में दो कंडीशन हो सकती है, या तो क्या होगा सिक्स्थ पीरियड होगा, या तो क्या होगा सेवन्थ पीरियड होगा। सिक्स्थ पीरियड की कंडीशन क्या होगी, अगर 57 से लेकर 71 तक एलिमेंट है, 57 से लेकर 71 तक है तो क्या होगा, दैट विल बी वो क्या होगा, वो क्या होगा दैट इज सिक्स्थ पीरियड। अगला 89 से लेकर अगर 103 तक है, दैट विल बी सेवंथ पीरियड। और एफ ब्लॉक के बारे में ये तो आपका क्या हो गया, पीरियड हो गया। लेकिन अगर ग्रुप के बारे में बात करें तो ग्रुप इसका क्या है, थर्ड फिक्स। थर्ड क्या है, फिक्स। ठीक है, थर्ड ग्रुप क्या है, फिक्स। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो फिर से समझते हैं, अगर पीरियड नंबर निकालना है तो क्या पता करेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। और अगर ब्लॉक पता करना है तो वो आप सबसेल बताइए जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला फिलअप है। ठीक है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसमें फिलअप है उसके बारे में बताना है। और ग्रुप के लिए आपको मेनली याद रखना है, तो ग्रुप के लिए पी ब्लॉक के केस में 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, एस के केस में क्या करेंगे, एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देखेंगे, अगर वन होगा तो फर्स्ट ग्रुप, अगर टू होगा तो सेकेंड ग्रुप। और डी वाले के केस में क्या होता है, डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस चीज को हम और क्लियर करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया कितना 12 है, एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। और किसी भी एलिमेंट का आप ग्रुप या पीरियड बताने के पहले आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर करेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या करते हैं 1s, 2s,
3s 3p 3d, फिर होगा 4s 4p 4d, और क्या होगा 4f, ठीक है 4f, फिर क्या होगा 5s 5p 5d, और फिर क्या होगा इधर बताएं 6s 6p, और फिर क्या होगा 7s। इसको जरा आप बाउल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। आप बाउल के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग दिखाई। मान लीजिए एलिमेंट्स आपका कितना है 12, ठीक है। एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना है 12, ऐसी कंडीशन में कितना होगा 1s2 2s2 एंड 2p6, देखें कितना होगा 1s2 2s2 2p6 एंड और कितना हो जाएगा 3s2 हो जाएगा, क्या होगा 3s2 हो जाएगा। अब यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे इसका ब्लॉक निकालेंगे, क्या निकालेंगे ब्लॉक। तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है, एस सबशेल में, इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का एलिमेंट, किसका है एस ब्लॉक का। अब इसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ पीरियड, किस पीरियड का ये एलिमेंट है, ठीक है। तो किस पीरियड का है, तो ऐसी कंडीशन में लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ, यहाँ पहली संख्या क्या बताती है, पहली संख्या जो है वो बताएगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लार्जेस्ट वैल्यू कितनी है 3 है, तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद और क्या बताना है, ग्रुप बताना है, ठीक है ग्रुप बताना है। तो ग्रुप के लिए लास्ट सेल हम लेते हैं, लास्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो इस तरह से ग्रुप नंबर इसका कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर कितना होगा, दैट विल बी सेकेंड ग्रुप होगा, कितना होगा सेकेंड ग्रुप होगा। इस तरह से हमने क्या किया, एलिमेंट्स की क्या जान लिया, ब्लॉक जान लिया, पीरियड जान लिया और ग्रुप जान लिया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं फिर और थोड़ा सा क्लियर होता है, इसको आप नोट करें पहले। इसके बाद हम लोग लेते हैं एक एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 17 है। तो 17 के क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे, कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 होगा, कितना होगा 3p5। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले पता करेंगे क्या, पहले क्या पता करेंगे ये किस ब्लॉक में, क्या पता करेंगे ब्लॉक। तो ब्लॉक क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये क्या है लास्ट सबसेल, सॉरी लास्ट सेल है। लास्ट सेल में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कहां इंटर कर रहा, पी सबसेल में, तो ब्लॉक कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पी ब्लॉक होगा, क्या होगा पी ब्लॉक होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या पता करते हैं, पीरियड किस पीरियड का है, तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके लार्जेस्ट वैल्यू कितनी 3, तो कहाँ का होगा थर्ड पीरियड का होगा, किसका होगा थर्ड पीरियड का होगा। फिर इसके बाद आते हैं क्या, ग्रुप नंबर, फिर क्या है ग्रुप नंबर। अब पी ब्लॉक के केस में हमने बताया है आप क्या करते हो 12+, क्या करते हो 12+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबसेल, तो पी सबसेल में कितने हैं 5, कितने हैं 5, आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज द एलिमेंट ऑफ 17th ग्रुप, किसका होगा 17th ग्रुप का ये एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या किया हमने, लॉग पता किया, लॉग कैसे पता करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है सबसेल पता करेंगे, किसमें पी में, तो हो जाएगा पी ब्लॉक। पीरियड के केस में क्या होगा थर्ड, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितनी 3, और ग्रुप नंबर पता करना है तो 12+5 12+5, इसको नोट करें फिर आगे चलें। इसके बाद हम लोग करेंगे एटॉमिक नंबर 26 का। तो 26 का पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउल के अकॉर्डिंग, ठीक है इसको आप और इधर मेंशन कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3p6 एंड 3, फिर इसके बाद क्या होगा 4s2 एंड 3d, कितना हो जाएगा इधर 10 दो 12, ठीक है, और इधर हो जाएगा कितना इधर 20, और कितने हैं 6, फिर से काउंट कर ले 10 दो 12 14 20 फिर 26,
यहाँ पर क्या करना, हमको क्या क्या बताना है, ब्लॉक नंबर बताना है और पीरियड नंबर बताना है और ग्रुप नंबर बताना है। तो पहले हम लोग क्या बताएंगे, किस ब्लॉक का है, क्या है ब्लॉक, कौन सा। तो ब्लॉक पर अगर हम आए तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर करता है, डी में इंटर करता है। अब यहाँ समस्या है कि हमारे पास दो दो सबशेल है, एक है 4s और एक है 3d। तो 4s क्या है, बाहर वाला है, ठीक है, और 3d क्या है, अंदर वाला है। लेकिन आप बाउ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे किसकी, n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे, क्या n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। इसके केस में भी क्या करते हैं, n प्लस एल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, 4 प्लस 0 कितना होगा 4, यहाँ पर निकालें कितना होगा बताएं, यहाँ पर होगा 3 प्लस 2 बराबर कितना होगा 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर कर रहा है बताएं, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है डी सबशेल में। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो हो जाएगा किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा, डी ब्लॉक का होगा, किसका होगा डी ब्लॉक का होगा। ऐसी कंडीशन में इसका अगर ब्लॉक कहा जाए तो क्या होगा, डी ब्लॉक होगा, ठीक है। अब फिर इसके बाद हम क्या पता करेंगे, पीरियड किस पीरियड का है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी 4, तो किसका होगा फोर्थ पीरियड का। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ग्रुप, तो ग्रुप पता करने के लिए दोनों में इलेक्ट्रॉन आप क्या करें, ऐड कर लें, कितना हो जाएगा 2 प्लस 6 दैट बिकम 8। इसका ग्रुप कितना हो जाएगा, दैट विल बी एट ग्रुप, ठीक है। किसका होगा, एट ग्रुप का एलिमेंट होगा। इसको आप नोट करें, ठीक है, जहां डाउट हो फिर आप बताएं। हमने क्या किया है, नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद क्या किया, ब्लॉक पता किया जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। और ये पता करने के लिए क्या करेंगे, एन प्लस एल का रूल का हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं लोअर वैल्यू किसके लिए है, इसके लिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, लेकिन आपको बाद में इलेक्ट्रॉन किस जिसमें जाता है उसको लेना। तो बाद में कहाँ जाता है, 3d में जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वैल्यू कितनी होगी यहाँ 5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी ब्लॉक में। और पीरियड नंबर